Hey everyone, welcome back to my channel Perfection with Nisha. मेरी रेसिपी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके परफेक्ट रेसिपीज घर में बना सकते हैं. सो बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. चोको लावा इडली केक बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 100 ग्राम डार्क कंपाउंड, यानी कि पूरा एक स्लैब लेना है. इसमें ऐड करना है 6 टीस्पून मिल्क. अब इन दोनों को आपको डबल बॉइलिंग मेथड और माइक्रोवेव में मेल्ट करना है. कैसे मेल्ट करना है इसकी डिटेल प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की है, आप चेक कर सकते हैं. मेल्ट करने के बाद इसको अच्छे से ठंडा करना है फ्रीज़र में फॉर 20 मिनट्स, 20 to 25 मिनट्स. जब तक ये फ्रीज़र में ठंडा हो रहा है, यहाँ पे हम बिस्किट से चॉकलेट केक का बेस बनाएंगे. यहाँ मैंने लिए हैं बर्बन बिस्किट के 2 पैकेट. एक पैकेट में 10 बिस्किट हैं, टोटल 20 बिस्किट्स लेने हैं फॉर मेकिंग 8 चोकोलावा इडली केक. अब आपको सारे बिस्किट के सेंटर की क्रीम को साइड कर देना है. बिस्किट केक बनाते टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है क्रीम को सेपरेट करें. अगर आप क्रीम के साथ ही बेक करेंगे तो इतना प्रॉपर स्पॉन्ज नहीं आ पाता है. मैंने सारे बिस्किट की क्रीम सेपरेट करके अब इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून शुगर. बर्बन बिस्किट में ऑलरेडी शुगर लगी रहती है, इसीलिए हम शुगर की क्वांटिटी कम रखेंगे. 20 बिस्किट में 1 टीस्पून शुगर डाल के इन सबको अच्छे से ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना देना है. कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए. अब इसमें ऐड करना है 100 ml मिल्क. 100 ml मिल्क ऐड करने के बाद बैटर काफ़ी थिक लग रहा था, तो यहाँ मैंने 30 ml मिल्क और ऐड कर दिया है. बैटर आपको फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बनाना है. अब इस बैटर को कवर करके आपको 10 मिनट साइड में रख देना है. 20 मिनट्स हो गए हैं, हमने जो चॉकलेट को मेल्ट करके फ्रीज़र में रखा था वो भी अच्छे से सेट हो गया है. आप देख सकते हैं इस टाइप की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए फॉर मेकिंग लावा केक. इस केक को बेक करने के लिए यहाँ मैंने इडली स्टैंड लिया है. इडली स्टैंड के ऊपर वाली और सबसे लास्ट वाली प्लेट को आप सेपरेट कर दें. सेंटर की 2 प्लेट्स यूज़ करनी है फॉर मेकिंग दिस केक. अब यहाँ पे इनको अच्छे से आप ऑयल से ग्रीस कर दें. इडली स्टैंड में पानी डाल के इसको प्रीहीट करने के लिए रख दें. सबसे पहले हम 4 इडली केक बना रहे हैं, जिसके लिए हाफ बैटर मैंने अलग कर दिया है. हाफ बैटर से आपकी 4 इडली बन जाएंगी. अब इसमें ऐड करिए 1/8 टीस्पून बेकिंग पाउडर. ऊपर से थोड़ा सा मिल्क डाल दें. जो फ्रॉथ आ रही है उसको अच्छे से आप बैटर में मिक्स कर दें. तो हाफ बैटर में मैंने डाला है 1/8 टीस्पून बेकिंग पाउडर. अब ग्रीस की हुई प्लेट में आपको 1-1 स्पून बैटर डालना है. सेंटर में लावा डालना है जो आपने बनाया था. इस लावा को अगेन केक बैटर से कवर कर देना है. जब भी आप इडली स्टैंड में केक बना रहे हैं तो हमेशा नीचे पानी डाल के स्टीम करना है केक को, बेक नहीं करना है. नमक डाल के बेक नहीं करना है. यहाँ मैंने इडली स्टैंड को पहले अच्छे से गरम कर दिया था फुल फ्लेम पे. अब इसको स्टीम करूँगी मैं 8 से 9 मिनट लो फ्लेम पे. आपको ये लो फ्लेम पर ही बनाने हैं फॉर 8 to 9 मिनट्स. 10 मिनट के अंदर अंदर ये केक बन जाता है. आपको साइड में फिंगर से टच करके देखना है. अगर साइड में स्टिक नहीं हो रहा है बैटर, इसका मतलब आपके लावा केक बन गए हैं. कभी भी लावा केक को सेंटर से चेक नहीं किया जाता है, क्योंकि सेंटर में लिक्विड लावा रहता है. इसको मैंने 1 मिनट के लिए ठंडा किया था. इसके बाद आप देख सकते हैं केक कितनी इजीली डिमोल्ड हो गया है, और सेंटर में देखिए ढेर सारा लावा है और केक भी प्रॉपरली बेक हो गया है. सेम मेथड फॉलो करके मैंने और 4 लावा केक बना लिए हैं. आप सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करें, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, आल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस. थैंक यू.